सिरमौर के कोटी धीमान की साजी देवी गरीब महिला है जो कि अपने टूटे बाजू व अन्य रोगों के लिए रेणुका सिविल अस्पताल में भर्ती है। आयुष्मान योजना के तहत साजी देवी का अस्पताल में निशुल्क इलाज हो रहा है जिससे वे बेहद खुश हैं। साजी देवी के परिजन संगीता देवी व रक्षा का मानना है कि आयुष्मान भारत का सहारा न होता तो साजी देवी का इलाज संभव नहीं हो पाता। से आए हुए हैं और इनका इलाज बड़े अच्छे से हो रहा है और मुफ्त में हो रहा है। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई आयुष्मान की तरह से अच्छे ढंग से हो रहा है। इनका इलाज खूब हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। बहुत पूरा मुफ्त इलाज चला हुआ है इनका और इनके हाथ का सर्जरी हुआ था नान में, तो बाजू का पूरा मांस निकाला गया है, तो उसमें डेली का पट्टी हो रहा है। इनके एंटीबायोटिक्स चले हुए हैं, तो मतलब उसमें नॉर्मल अगर कोई हो तो काफ़ी खर्चा आ जाता है, उसमें दिन का 100-200 रुपए कई बार खर्चा उसमें आ जाता है, पर इसके स्कीम के तहत इनका पूरा मतलब मुफ्त इलाज चला हुआ है, कोई खर्चा नहीं आ रहा इनका। परिवार के सदस्यों का मानना है कि वृद्ध घर की अहम कड़ी होते हैं जिन्हें खोने पर परिवार का सुकून छिन जाता है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना ने उनके इस सुकून को बरकरार रखा है। सिरमौर से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट के साथ नंदिनी मित्तल, डीडी न्यूज़ शिमला।